अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में उलझी नगर परिषद सुजानपुर को अब 31 जनवरी को ही नया अध्यक्ष मिल पाएगा। सुजानपुर नगर परिषद में मतदान प्रक्रिया के तहत नए अध्यक्ष का चुनाव आज कोरम पूरा न होने के कारण कल यानी शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। सुजानपुर SDM एवं निर्वाचन अधिकारी शिल्पा बेगटा के समक्ष चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे में कार्यवाही शुरू की गयी, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण इसे अगली तिथि दे दी गयी है। आज हुई प्रक्रिया में 9 में से केवल 5 पार्षद ही उपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में उलझी नगर परिषद सुजानपुर को अब 31 जनवरी को ही नया अध्यक्ष मिल पाएगा। सुजानपुर नगर परिषद में मतदान प्रक्रिया के तहत नए अध्यक्ष का चुनाव आज कोरम पूरा न होने के कारण कल यानी शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सुजानपुर SDM एवं निर्वाचन अधिकारी शिल्पा बेगटा के समक्ष चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे से कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण इसे अगली तिथि दे दी गई। आज हुई प्रक्रिया में 9 में से केवल 5 पार्षद ही उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी के दोनों ही पार्षद बैठक में उपस्थित नहीं हुए। बैठक में पूर्व भाजपा पार्षदों में भी खेमबंदी देखने को मिली और 5 में से 2 पार्षद पहुंचे। चुनाव अधिकारी शिल्पा बेगटा ने बताया कि कोरम पूरा न होने के कारण शुक्रवार सुबह 10 बजे का समय दिया गया है और अब चुनाव में कोरम पूरा होने की बात बाकी नहीं बची। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताओं को पूरा कर शुक्रवार सुबह 10 बजे चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि सुजानपुर नगर परिषद में भाजपा का बहुमत है, लेकिन दोनों अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के ही पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाने की कवायद की थी। सूत्रों की माने तो जहां एक बार फिर से पुराने अध्यक्ष अशोक मेहरा पर ही भाजपा दांव खेलने जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया पूरी की थी वे ही अब एक बार फिर से उन्हें समर्थन कर अध्यक्ष बनाने पर राजी हो गए। गनीमत यह है कि अगर अशोक मेहरा को ही बागी पार्षदों ने फिर से अध्यक्ष बनाना था तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया क्यों लाई गई, क्यों सरकार और संबंधित विभाग का समय बर्बाद किया गया, क्यों शहर के लोगों को इतने दिन विकास कार्यों से पिछड़े हुए रखा गया। अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया लाने के पीछे मंशा क्या थी, कौन किसको नीचा दिखाना चाहता था, तमाम सवाल लोगों के जहन में है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।